हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सो यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनली 15 अप्रैल को रियलमी अपनी पी सीरीज में दो नए स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। पहला रहेगा P1 5G, दूसरा रहेगा P1 Pro 5G। अब फाइनली ये स्मार्टफोन के ऑफिशियल फर्स्ट लुक कलर्स वगैरह यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह बाहर आ चुके हैं। इंडिया में आपको दोनों स्मार्टफोन क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रियलमी पी सीरीज की इंडिया लॉन्च के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 15 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल को ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में ऑफिशियली जो है लॉन्च हो जाएंगे। एंड एक और एक चीज बता दूं, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट मिलेगा। एंड रियलमी के जो ऑनलाइन स्टोर है वहां पर ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से ये स्मार्टफोन के ऑफिशियल फर्स्ट लुक एंड जितने भी स्पेसिफिकेशन वगैरह बाहर आए वो आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, P1 5G अगर आप देखोगे, बैक में यहाँ पर आपको जो बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, सर्कुलर टाइप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, फ्लैश रहेगा, दिखने में फोन वही टिपिकल रियलमी वाला आपको डिजाइन देखने को मिलता है। टोटल ये दो कलर वेरियंट आपको देखने को मिलेगा, एक फिनिक्स रेड देखने को मिल जाएगा, एक आपको पीकॉक ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। वही P1 Pro की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप बैक का डिजाइन देखोगे तो यहाँ पर कर्वी टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पर भी आपको सर्कुलर टाइप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर आप बैक में देखोगे डुअल कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर भी आपको दो कलर वेरिएंट में लॉन्च करा जाएगा, एक फिनिक्स रेड यहाँ पर भी मिलेगा, एक आपको पैरेट ब्लू देखने को मिलने वाले हैं। वैसे दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन एंड कलर आपको कैसे लगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर P1 5G में यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। एंड जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD+ का देखने को मिलने वाला है। वही P1 Pro 5G की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको 6.7 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। एंड यहां पर भी बताया जा रहा है रेजोल्यूशन जो आपको फुल HD+ का देखने को मिलने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दोनों में बताया जा रहा है 8/28 से बेसमेंट आपको स्टार्ट होते हुए दिख सकता है। देन एक 256 वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर P1 5G में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 7050 वाला 5G चिपसेट जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। जबकि P1 Pro की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon का 6Gen 1 वाला एक 5G चिपसेट जो कि 4M टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। कैमरे को लेकर अभी फिलहाल यहां पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो P1 5G रहने वाला है उसमें आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। एंड जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें प्रो वाले वेरिएंट की तो वहां पर सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे यहां पर जो इमेजेस वगैरह निकल के आई है यहां पर आपको सिर्फ डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल रहा है। अब 50 मेगापिक्सल भी रह सकता है या 108 मेगापिक्सल का भी हो सकता है, अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसके अपडेट दूंगा देन वहां पर मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। रियलमी यूआई पे यहां पर ये रन करेंगे। सेंसर्स दोनों स्मार्टफोन पे सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में मिलने वाला है। साथ ही में फेस अनलॉक का फीचर भी रहेगा। P1 में बताया जा रहा है 3.5 हेडफोन जैक मिलेगा, ये चीज कंफर्म है। अब प्रो में मिलेगा नहीं मिलेगा अभी फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है दोनों स्मार्टफोन पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट ये बार देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। एंड दोनों में ही 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। एंड डब्बे में आपको चार्जर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर कंप्लीट स्पेक्स वगैरह यहां पर निकल के आए थे यहां पर P1 एज वेल एज P1 Pro 5G स्मार्टफोन को लेके। अब बात कर लेते हैं ये स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो रियलमी ने तो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म कर दिया है कि जो रियलमी P1 5G स्मार्टफोन रहेगा वो अंडर 15,000 रुपीज मिलेगा, जबकि जो प्रो वाला वेरिएंट है वो आपको अंडर 20,000 रुपीज का देखने को मिलने वाला है। तो P1 5G आप पकड़ के चलो 14,000 या 15,000 आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो प्रो वाला वेरिएंट है वो आपको 19,000 से 20,000 रुपए के बीच में देखने को मिलने वाला है। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपकमिंग P1 सीरीज आपको कैसे लग रही, P1 5G के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो या प्रो वाले वेरिएंट को लेके आप ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या कुछ आपके एक्सपेक्टेशन है यहां पर ये सीरीज को लेके, इसकी प्राइस पॉइंट को लेके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। होप तुम सोच सही होगी। एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।